बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मेरठ थाना लिसाड़ी गेट के जाकिर कॉलोनी में अज्ञात लोगों के आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट फाड़ डाले और उनमें आग लगा डाली। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर। मेरठ एक तरफ जहां लोग कोरोना से भयभीत है, वहीं कुछ लोग अराजकता फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला है थाना लिसाड़ी गेट के जाकिर कॉलोनी मोहल्ले का, जहां नगर निगम की टीम जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरित करने के लिए पहुंची थी। खाद्य सामग्री बांटने के लिए एक लिस्ट बनानी थी। नगर निगम की टीम ने लोगों से आधार कार्ड वगैरह इकट्ठे किए और पार्षद जो वहां के पार्षद इकराम बालियान को सौंप दिए, लेकिन तभी वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने उन आधार कार्ड को जला डाला, डॉक्यूमेंट्स फाड़ डाले। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जले हुए ये कागज और आधार कार्ड। पार्षद इकराम बालियान का कहना है कि नगर निगम की टीम यहां सर्वे करने पहुंची थी कि कौन ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको खाद्य सामग्री दी जाए, इसके लिए एक लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट को बनाने के लिए आधार कार्ड इकट्ठे गए थे, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो जबरदस्ती अपना नाम इस लिस्ट में ऐड कराना चाह रहे थे जो वहां के नहीं थे। पार्षद इकराम बालियान के अनुसार वह उन लोगों को नहीं जानते जो लोग जबरदस्ती अपना नाम इस लिस्ट में ऐड कराना चाह रहे थे, जो नगर निगम खाद्य सामग्री जरूरतमंदों को बांटने के लिए बना रही थी। जब उनका नाम खाद्य सामग्री की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, तो उन लोगों ने जो आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स पार्षद इकराम बालिया ने इकट्ठे किए थे, उनमें आग लगा दी और फरार हो गए। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है कि आधार कार्ड जैसी चीज जो जनता ने आपके हवाले, यानी जो एक जिम्मेदार आदमी है पार्षद के हवाले किए, उसको उन कागजों को, उन आधार कार्डों को किसी सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं रखा गया, या किसी ऐसी जगह क्यों रखा गया कि जहां इतनी आसानी से कुछ लोगों ने आके इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे जले हुए कागज, फटे हुए डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। और यह भी एक सवाल यह निशान है कि ऐसे कुछ लोग आकर उन आधार कार्ड और जो कागज है उन कागजों में आग लगा गए, जिनको कि क्षेत्र के लोग नहीं जानते। यहां बताते चले कि पार्षद इकराम बालियान अपने क्षेत्र में अपनी पार्षद की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। पार्षद इकराम बालियान ने बताया कि जिन लोगों ने ये आधार कार्ड जलाए हैं, ये कागज फाड़े हैं, वह उन लोगों को नहीं जानते और ना ही वह उन लोगों को जानते हैं जो जबरदस्ती अपना नाम खाद्य सामग्री की लिस्ट में ऐड कराना चाह रहे थे। पार्षद के अनुसार जो अज्ञात लोग लिस्ट में अपना नाम ऐड करा रहे थे और उनका नाम ऐड नहीं किया गया, इसी जलसी में, इसी जलने की भावना से, किलसने की भावना से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दिया और उनमें आग लगा दी। इकराम बालियान पार्षद ने लाभार्थियों के लिए जो आधार कार्ड इकट्ठे किए थे, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए थे, उनमें उन उपद्रवियों ने आग लगा दी। मेरठ मित्र से नवेद खान की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम विक्रम बालियान। विक्रम जी, क्या मामला था, किसने, क्या हुआ? आज हमारे नगर निगम की टीम लगभग 1 बजे आई थी इंस्पेक्शन करने के लिए कि उन्हें कुछ जो जरूरतमंद हैं उन्हें राशन वितरण करने के लिए, कि जिससे उनका पता और नाम मिल जाए तो हम उसके हिसाब से राशन की पैकेज बना दिए जाएँ और उन्हें इकट्ठा करके ला के बांट दिया जाए। उसी के लिए उनके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ले जाए थे, जिससे सही सही पता चले कि ये लोग वास्तव में इसके हकदार हैं नहीं हैं। कुछ लोग जबरदस्ती चाहते थे कि ये हमारे नाम भी इसमें शामिल किया जाए, एक दौर से सबको दिलाया जाए, जबकि लायक इतना राशन नहीं होता कि सबको दिया जाए। इसी उसमें जेलिसी में हम तो जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड रखे हुए थे लाभार्थियों के लिए इकट्ठे किए थे, बाहर को चले गए उन्हें रख के, और वो आके ये अनजान आदमी कौन है मैं नहीं जानता, उसने ला के और उनमें आग लगा दी। इतना है, इतने वो जल गए थे। तो उन लोग कौन थे और क्यों? पता नहीं, जला के भाग गए। क्यों लगाई उन्होंने उसके अंदर? वो ये चाहते थे हमारे नाम भी शामिल किए जाए सब में। तो नगर निगम की टीम इस वक्त कहाँ है? वो नगर निगम की टीम अब नहीं ना, वो जा चुकी थी। तो उस वक्त टीम मौजूद थी जिस टाइम आग लगी? नहीं नहीं नहीं, उस समय नहीं थी। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान,
खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।